नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। साल 2020 में ज्ञान विज्ञान के इस पहले अंक में आपका स्वागत है। अपने इस साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिए हम आपको देते हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हो रही ताजा गतिविधियों की जानकारियां। आज के अंक में होगी बात बेंगलुरु में हो रही इंडियन साइंस कांग्रेस की, करेंगे दौरा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का, खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले इस अंक की सुर्खियां। 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस का बेंगलुरु में शुभारंभ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण विकास पर होगी चर्चा। 2021 में हो सकती है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, साल के पहले दिन इसरो प्रमुख ने की उपलब्धियों पर प्रेस वार्ता। भारतीय वन सर्वेक्षण ने जारी की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, पिछले दो साल में वन क्षेत्र में सकारात्मक बढ़ोतरी। और तिरुवनंतपुरम में हुआ राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन, देश भर से स्कूली छात्र और युवा प्रतिभागी हुए शामिल। 3 जनवरी को बेंगलुरु में 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का शुभारंभ हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ग्रामीण विकास थीम के साथ आयोजित किया गया इस बार का ये विज्ञान सम्मेलन 7 जनवरी तक चलेगा, जिसमें भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था के पदाधिकारी, देश भर के वैज्ञानिक और युवा शोधकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह पर ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। 3 जनवरी को बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई। 3 से 7 जनवरी तक चलने वाले इस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारत के विकास में, विशेष तौर पर ग्रामीण विकास में, टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को हमें और व्यापक बनाना है। आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इस बार की विज्ञान कांग्रेस का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास है। कार्यक्रम में विश्व भर से तकरीबन 15,000 लोगों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता, विशेषज्ञ, छात्र और किसान आदि शामिल हैं। सम्मेलन में 1500 से ज्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में बाल विज्ञान कांग्रेस, महिला विज्ञान कांग्रेस और विज्ञान संचारकों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा पहली बार कृषक विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन किया जाएगा। ऑल ऑफ अस नाउ एंश्योर दैट वी रीच आउट टू द वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इन साइंस, वेदर इट इज अ यंग बॉय, वेदर इट इज अ फार्मर, वेदर इट इज अ स्मॉल कंपनी और एनीवन हु कैन कंट्रीब्यूट थ्रू साइंस for the betterment of this country and of course the whole world. ब्रिटिश रसायनज्ञ प्रोफेसर जे एल साइमनसन और प्रोफेसर पी एस मैकमोहन ने साल 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था की स्थापना की थी, ताकि शोधकर्मियों की एक वार्षिक बैठक आयोजित कर भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके। अब ये संस्था भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान की तरह काम कर रही है, जो हर साल देश के अलग अलग स्थानों पर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कराती है। साल 2021 में इसरो चंद्रयान 3 को कर सकता है लॉन्च।
साल के पहले ही दिन इसरो प्रमुख के सिवन ने बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में एक साल में इसरो की उपलब्धियों पर बात करते हुए चंद्रयान 3 सहित भारत के मानव मिशन के बारे में भी जानकारी दी गई। एक रिपोर्ट। नए साल के मौके पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय बेंगलुरु में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने पत्रकारों को साल 2019 में इसरो की उपलब्धियों के बारे में बताया। साथ ही नए साल में पूरी की जाने वाली योजनाओं का भी जिक्र किया गया, जिसमें चंद्रयान 3 भी शामिल है। पिछले एक वर्ष के दौरान इसरो ने 6 प्रक्षेपण यान और 7 उपग्रह मिशन लॉन्च किए। इनमें चंद्रयान 2 मिशन और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 50वां लॉन्च मील का पत्थर कहे जा सकते हैं। Another major interesting aspect what we did last year was we have made PS4 as a experimental platform after it's injected its satellite. That is the one. And Vikram processor, yeah, indigenous Vikram processor realized in SCL Chandigarh. साल 2019 में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए दूसरा वाहन असेंबली भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके अलावा आम लोगों के लिए दर्शक दीर्घा की भी शुरुआत की गई। डॉक्टर सिवन ने स्कूली बच्चों के लिए शुरू किए गए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का भी जिक्र किया। साल 2020 की योजनाओं में तमिलनाडु में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक और लॉन्च पोर्ट स्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन को सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान भी प्रगति पर है। मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन कर लिया गया है। We have a good progress in 2019 Gaganyaan, and many of the designs were completed, and astronauts have the selection process is over. Now the 4 astronauts identified for training purpose. That process also completed. इसरो के लिए साल 2019 उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें लॉन्च मिशन के अलावा अंतरिक्ष कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाने की कई परियोजनाएं शामिल हैं। उम्मीद है साल 2020 और आने वाले वर्षों में भी इसरो अपने SSLV, GSLV स्वदेशी परमाणु घड़ियों के साथ भारतीय डेटा रिले उपग्रह प्रणाली आदित्य L1 जैसे मिशन के जरिए दुनिया को भारत का लोहा मनवाता रहेगा। भारतीय वन सर्वेक्षण देश के वनों और उनसे जुड़ी संपदाओं के निरीक्षण और आंकड़ों को जमा कर हर 2 साल में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करता है। इसी कड़ी में FSI ने ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की है। 30 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में इस रिपोर्ट का विमोचन किया। भारत विश्व के 10 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देशों में से एक रहा है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक और अनियमित दोहन का असर देश के वनों पर भी पड़ा। भारतीय वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट में ये स्थिति अब बेहतर होती नजर आ रही है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का विमोचन किया, जिसके मुताबिक पिछले 2 साल में हर तरह के वन क्षेत्र में बढ़त हुई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो नया फॉरेस्ट सर्वे आया है 2 साल का, इसमें यही साबित हुआ कि दुनिया के केवल चंद देश है जहां जंगल बढ़ा है, उसमें भारत बहुत अग्रेसर है और भारत का जंगल क्षेत्र पिछले 4 साल में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त देश में कुल वन क्षेत्र और ट्री कवर एरिया यानी वृक्षावरण क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% होता है।
यानी पिछले 4 वर्षों में 13,000 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र बढ़ा है। 2017 की तुलना में कुल वन क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण क्षेत्र में 1,212 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वो 5 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वृक्षावरण क्षेत्र बढ़ा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वृक्षों की संख्या बढ़ी है। वन क्षेत्र में पेड़ के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे कि ग्रीन कवर बढ़ा है। ग्रीन कवर बढ़ने से वातावरण को के बेहतर परिणाम मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ कार्बन सिंक क्रिएट होता है, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये लगातार वृद्धि हो रही है, ये और भी हर्ष की बात है। रिपोर्ट में समुद्री क्षेत्रों के इकोसिस्टम को संतुलित करने वाले मैंग्रोव वनों में भी 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आधुनिक तकनीक की मदद से पिछले 2 वर्षों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी देखी गई। इस रिपोर्ट से साबित होता है कि दुनिया के चंद देश हैं जहां जंगल बढ़ रहा है, उनमें भारत अग्रणी है। ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। देश ने विज्ञान के क्षेत्र में आज जितनी तरक्की की है उसमें हमारे वैज्ञानिक संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा ही एक नवीन संस्थान है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी इनकॉइस। विज्ञान भ्रमण में आज हम आपको इसी संस्थान का दौरा करा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं तटीय क्षेत्रों और उनसे जुड़े जनजीवन के लिए कितना अहम है ये संस्थान। विज्ञान भ्रमण की इस कड़ी में आज हम पहुंच रहे हैं हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। इनकॉइस के नाम से मशहूर ये संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। 1999 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन की इकाई के रूप में स्थापित हुए इस संस्थान का उद्देश्य महासागर अवलोकन और व्यवस्थित शोध द्वारा तटीय समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को जानकारियां और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है, और ये कार्य इस संस्थान ने बखूबी निभाया है। वी आर हैविंग एज ऑफ टुडे 48 प्रोडक्ट्स व्हिच आर सो यूजफुल फॉर दोस हु वेंचर इनटू सी, एंड दोस प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय मेनी यूजर्स, पीपल लाइक फिशर फॉक्स, देन इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, maritime boats, port and harbors, and also products are being exclusively used by offshore industries. आधुनिक उपकरणों और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर इनकॉइस रोजाना 10 भाषाओं में संभावित मत्स्य क्षेत्र बुलेटिन जारी करता है ताकि मछुआरों को आसानी हो। इसके अलावा महासागर मौसम की चेतावनियां और पूर्वानुमान सूचनाएं भी प्रसारित की जाती हैं। इनकॉइस में मौजूद महासागर राज्य पूर्वानुमान केंद्र में लगातार महासागर के मौसम पर निगाह रखी जाती है। इन सूचनाओं में हाई टाइड और चक्रवात की जानकारी भी शामिल है। दीस बुलेटिन्स आर इश्यूड वेल इन एडवांस ड्यूरिंग द साइक्लोन्स 6 डेज और 7 डेज इन एडवांस, एंड दिस इज बीइंग सप्लाइड टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एनजीओस एंड ऑल्सो डायरेक्ट यूजर्स, एंड ऑल्सो इट इज बीइंग सप्लाइड टू नेशनल डिसास्टर अथॉरिटी एंड ऑल्सो स्टेट अथॉरिटीज, एंड इन टर्न दे विल टेक एक्शंस बेस्ड ऑन आवर बुलेटिन्स। साल 2012 में इनकॉइस में एक सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र भी स्थापित किया गया, जो स्थापना के एक दशक के अंदर ही हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख सुनामी सूचना केंद्र बन गया है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेधशालाओं से 24 घंटे भूकंपन के आंकड़े जमा किए जाते हैं और सुनामी की स्थिति में तुरंत चेतावनी जारी की जाती है।
इसके अलावा इनकॉयस के शोधकर्ता महासागर अवलोकन बायोडायवर्सिटी शोध जैसे समुद्री इकोसिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य अंजाम देते हैं। इस संस्थान से प्राप्त होने वाली सूचनाएं एक बेहतर और सुरक्षित तटीय प्रबंधन विकसित करने में सहायक साबित हो रही हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया में क्या ताजा गतिविधियां हुई, आइए जानते हैं साइंस एक्सप्रेस में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अगली पीढ़ी के ऊर्जा भंडारण समाधान के लिए एक इनोवेशन सेंटर की शुरुआत कर रहा है। 29 दिसंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस केंद्र की आधारशिला रखी। 100 करोड़ की ये पहल केंद्र की स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का हिस्सा है, जिसके द्वारा सरकार का 2022 तक स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर लगभग 40% करने की योजना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने CSIR कॉम्प्लेक्स में एक फ्यूल सेल असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। हाल ही में नासा ने मार्स रोवर 2020 का अनावरण किया। ये रोवर जुलाई 2020 को लाल ग्रह की यात्रा पर रवाना होगा। इस रोवर के जरिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत तलाश करेंगे। नासा का यह महत्वाकांक्षी अभियान भावी मानव मिशनों का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। नासा का मंगल ग्रह पर उतरने वाला ये 5वां रोवर होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मिशन से मंगल की सतह पर भौगोलिक एवं रासायनिक संदर्भों को समझने में मदद मिलेगी। इसके लिए रोवर में 23 कैमरे लगाए गए हैं, साथ ही हवाओं को सुनने के लिए 2 श्रवण यंत्र भी लगे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईट राइट मेले का आयोजन किया गया। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस मेले का उद्देश्य लोगों में खाने से जुड़ी अच्छी आदतों को प्रोत्साहन देना और पोषण के प्रति जागरूक करना है। मेले में कई तरह के स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आयोजकों के मुताबिक इस स्ट्रीट फूड में स्वच्छता और सेहत के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा गया। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना ने 28 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 288 दिनों तक रहने का नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सटन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्रिस्टीना फरवरी 2020 में वापस लौटेंगी, जब तक वो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक का समय बिता चुकी होंगी। वह 2019 अक्टूबर में ISS से बाहर आकर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिलाओं की टीम में भी शामिल थी। व्यायाम करने से व्यक्ति सिर्फ शारीरिक या मानसिक रूप से ही तंदुरुस्त नहीं होता, बल्कि इससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचा जा सकता है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का दावा है कि कसरत करने से स्तन कैंसर, किडनी, यकृत कैंसर जैसे जानलेवा कैंसर होने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये शोध क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन इस बार तिरुवनंतपुरम में किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा 10 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोजित ये सम्मेलन 27 से 31 दिसंबर तक चला, जिसमें देश भर से चुनकर आए स्कूली छात्रों और अन्य युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हमारी युवा पीढ़ी में विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने और उनकी वैज्ञानिक सोच को नए मौके देने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में 27वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर का बाल विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस बार विज्ञान,
प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग कर हरित, स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण शीर्षक के तहत ये कांग्रेस केरल राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के सहयोग से आयोजित की गई। This is an occasion where the students can learn from all the other students in other states, and this is actually a reflection of national integration and national integrity, where the students can learn from the other students from other states as well, their culture, the way of presentation, as well as the means in which they can improve for their scientific presentations. 27 से 31 दिसंबर तक चली इस कांग्रेस में देश भर से चुने गए लगभग 700 स्कूली छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तीन मुख्य आयोजन रहे, शोध प्रदर्शन, पोस्टर्स और गतिविधि प्रदर्शन कॉर्नर। यहां छात्रों और अन्य प्रतिभागियों ने मौजूदा समस्याओं पर अपने विचारों का प्रदर्शन किया। इनमें बीमारियों से बचाव से लेकर मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले फूलों से जैविक खाद बनाने जैसे कई तरीके बताए गए। I feel very good in this National Children's Science Congress as this is my first experience and I accept that I will more enjoy in this National Children's Science Congress. Thank you. There will be technical sessions, you know, so I want to interact with the scientists and all the expertise who will be coming here. And I like to know many things. राष्ट्रीय विज्ञान बाल कांग्रेस में 10 से 17 साल तक के स्कूली और गैर स्कूली बच्चों को शामिल किया जाता है, जिन्हें इस कांग्रेस के द्वारा विज्ञान के अनुप्रयोग सीखने के साथ खोज और नवीनतम के लिए प्रोत्साहन और प्रगति के पहलुओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक मंच पर अन्य प्रतिभागियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में बच्चों की तर्कसंगत सोच को बढ़ावा मिलता है, जो एक विकसित समाज का आधार है। और आखिर में एक नजर विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले हफ्ते के योगदान पर देखते हैं हमारा खास सेगमेंट विज्ञान का इतिहास। 7 जनवरी 1610 को इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने बृहस्पति के तीन चंद्रमाओं आयो, यूरोपा और कैलिस्टो की खोज की। ये चंद्रमा बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही गैलीलियो ने इस ग्रह के चौथे चंद्रमा गैनीमेड के होने की भी घोषणा कर दी। ये चारों चंद्रमा खोजे गए पहले ऐसे पिंड थे जो पृथ्वी के अलावा नियमित रूप से किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं, और यह इस बात का महत्वपूर्ण सबूत था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। गैलीलियो ने यह खोज उनके द्वारा 1609 में विकसित किए गए पहले टेलीस्कोप की मदद से की। गैलीलियो ने बाद में शनि के छल्ले और शुक्र के चरणों की भी खोज की। 9 जनवरी 1922 को भारतीय मूल के अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हरगोविंद खुराना का जन्म पंजाब के रायपुर में हुआ था। साल 1948 में लिवरपूल विश्वविद्यालय से पीएचडी के बाद खुराना ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फेलोशिप के दौरान न्यूक्लिक एसिड पर शोध शुरू किया। सिंथेटिक जीन का उपयोग कर अनुवांशिक कोड को डिक्रिप्ट करने में खुराना का अहम योगदान रहा है। साल 1968 में खुराना को मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया, जिसमें कोशिका के अनुवांशिक कोड होते हैं और जो प्रोटीन के सेल के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हरगोविंद खुराना कई अन्य पुरस्कारों के साथ भारत सरकार के पद्म भूषण और अमेरिका के नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी सम्मानित हुए। 10 जनवरी 1968 को अमेरिका का मून प्रोब सर्वेयर 7 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा। सर्वेयर 7 इस श्रृंखला का पांचवा और अंतिम यान था जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये अंतरिक्ष यान टाइको क्रेटर से 29 किलोमीटर उत्तर में उतरा और वहां से 21,000 तस्वीरें और महत्वपूर्ण डेटा धरती पर भेजा। सर्वेयर 7 ने पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की सही दूरी मापने के लिए काम किया।
तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।